हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम इंडियन मॉम। आप देख सकते हैं आज मेरे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही है। इस टाइम किचन पूरा भरा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बर्तन धोना। इसके लिए मैं प्रिल यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से पानी में उसे मिक्स करूँगी और उसे बर्तन अपने सारे धो लूंगी। और अब गैस साफ करने के लिए मैं स्पंज वाइप यूज कर रही हूँ। इजीली इससे बहुत अच्छे से जो है गैस साफ हो जाती है। और हमेशा गैस को ऊपर से और अंदर नीचे तक पूरा अच्छे से साफ करें ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स जो है इसके अंदर रहे नहीं। तो मैं अब इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और आपको ये डेली बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं डेली तो इस यहाँ पर जो है गंदगी जमने लगती है। Trouble, baby, and I can't break away. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So, और अब मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ। और डस्टिंग करने के लिए मैं कॉलम यूज कर रही हूँ साथ में स्पंज वाइप। काफी अच्छे से इसे ग्लास जो है वो क्लीन हो जाता है कॉलम से। और पूरा जो मैं अपना टीवी रैक है, स्पीकर्स हैं, उन पे भी अच्छे से कपड़ा लगा रही हूँ। और अभी मैंने कुछ सुबह कपड़े धोए थे, इनको मैं उठा के उधर रख के आ रही हूँ। और अब अच्छे से सोफे के जो कॉर्नर्स हैं इनको भी मैं साफ कर रही हूँ। ये मेरा डाइनिंग टेबल है, इसके लिए मैं कॉलिन यूज़ कर रही हूँ और टिश्यू पेपर, क्योंकि ग्लास पे हमेशा टिश्यू पेपर ही यूज़ करना चाहिए, उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अब मैं पोछा लगाने वाली हूँ। और मैं पोछा पैर से लगाना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे आपकी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है और पोछा भी अच्छे से लग जाता है। तो ये मेरा डेली रूटीन है जो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो अभी मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं फ्री हो गई हूँ। ये जो है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।